तो असेसमेंट ऑफ फर्म में एक और क्वेश्चन करते हैं आज प्रैक्टिकल, इलस्ट्रेशन नंबर 2। कैलकुलेट फर्म्स इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19 फ्रॉम इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और नीचे क्या लिखा हुआ है, द पेमेंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी हु आर वर्किंग पार्टनर्स हैव बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप डीड हुज सर्टिफिकेट कॉपीड हैज बीन सबमिटेड अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2018-19। ऑल्सो कंप्यूट द इंडिविजुअल इनकम ऑफ पार्टनर ए एंड बी विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि ए और बी वर्किंग पार्टनर है और नीचे बोला है कि ऑल्सो कंप्यूट द इंडिविजुअल इनकम, कि इनकी अलग अलग से भी इनकम निकालनी है विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन, और वो जो इनकम निकालोगे वो किसके अंडर टैक्सेबल करनी है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स के अंडर, हेड के अंडर, पीजीबीपी के अंडर। तो नेट प्रॉफिट डालोगे पहले, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 1,20,000। इसमें ऐड करोगे जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, डिसअलाउड यानी कि इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, तो सैलरी ए बी की है 1,60,000 और 1,40,000। तो ये यहाँ पे पुट कर दिया आपने, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, पहले सैलरी और कमीशन डिसअलाउड कर दोगे और फिर बुक प्रॉफिट्स जब निकल जाएंगे उसके बाद लेस करोगे सैलरी और कमीशन वो कंडीशंस लगा के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता दिया कि ए और बी वर्किंग पार्टनर है, तो सैलरी ए और बी की आपने लिख दी, ऐसी कमीशन ए का लिख दोगे 1,20,000, ये भी डन। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है किस रेट पे, 15% पे, ए और बी पार्टनर को। तो पिछले प्रोविजन में हमने क्या पढ़ा था, पिछली वीडियो में, एनी इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डेट इज अलाउड प्रोवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड 12%। किसी भी तरह का इंटरेस्ट दिया जा रहा है पार्टनर को पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग, वो अलाउड है कितने, कहाँ तक अलाउड है, 12% तक, और अगर 12% से ज्यादा है तो जितने से ज्यादा है एक्सेस है जो वो डिसअलाउड हो जाएगा। ये चीज पढ़ी थी हमने फर्स्ट पार्ट में। तो इसमें 15% इंटरेस्ट है कैपिटल पे, तो 12% तक तो अलाउड है, बाकी का जो एक्सेस है 3% है ना एक्सेस, 3% डिसअलाउड हो जाएगा, तो मतलब कि ऐड हो जाएगा। कैसे करोगे, 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना टोटल, ए का है 30,000, बी का है 15,000, टोटल 45,000, तो 3% डिसअलाउड करने, क्योंकि 12% तक अलाउड होता है और जितना एक्सेस होएगा उतना डिसअलाउड हो जाएगा, तो 3% एक्सेस है, तो 45,000 into 3, 3% डिसअलाउड करना है, कितने में से डिसअलाउड करना है, ये 3% 15% में से, ये जो 3% डिसअलाउड करना है वो 15% में से करना है, तो इस तरह करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9,000, ये एड बैक कर दोगे, डिसअलाउड हो जाएगा, तो ये एड बैक करके आपका क्या आ गया, बुक प्रॉफिट्स, इसमें ये आ गया बुक प्रॉफिट्स इतना। उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, रेमुनरेशन निकालनी, अलाउड रेमुनरेशन निकालेंगे वो कंडीशंस लगा के, जो कि अंडर सेक्शन 40B में कवर होती है। तो पहला काम क्या है आपका, जो सैलरी दी जा रही है पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर को, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने बताया ना कि और भी वर्किंग पार्टनर है, तो जो सैलरी दी जा रही है, जो कमीशन दिया जा रहा है, उसको पहले ऐड करके उसका टोटल बना लोगे, ऐसे ही पिछली वीडियो में भी किया था। ये देखो ये वाला क्वेश्चन किया था ना, तो जो एक्चुअल सैलरी थी पार्टनर की 56,000 और जो कमीशन था एक्स का 6,000, उनको प्लस करके हमने यहाँ पे टोटल लिख लिया था। ऐसे इसी क्वेश्चन में लिखोगे 1,60,000 सैलरी है, बी की है 1,40,000, तो ये यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को प्लस करके 3,00,000 सैलरी आ गई ए और बी की, और कमीशन कितना है ए का 1,20,000, कमीशन और सैलरी लेनी होती है बस, कमीशन लिख दिया 1,20,000, इन दोनों को प्लस करके नीचे यहाँ पे पुट कर दिया, तो ऐसे ही हमने टोटल निकाल ली, जैसे यहाँ पे 62,000 निकाली थी। अब वो कंडीशंस लगाएंगे जो ये वाली है, क्या कह रहा है कि ऑन फर्स्ट 3,00,000, पहले 3,00,000 पे 90% बुक प्रॉफिट का,
और जितना बैलेंस बचेगा उसका 60%, 60% किसका करोगे, बुक प्रॉफिट्स का। और बुक प्रॉफिट्स आपके कितने निकले हैं, ये 5,49,000। तो यहाँ पे आपने रेमुनरेशन लिख ली पार्टनर्स की 4,20,000। अब क्या करोगे, आप कंडीशंस लगाओगे, और पहले फर्स्ट का 3,00,000, पहले फर्स्ट जो पहला फर्स्ट 3,00,000 है उसका 90% करोगे, क्योंकि पीछे यही बताया हुआ है कि जो पहले बुक प्रॉफिट्स में से पहले 3,00,000 पे 90% लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बुक प्रॉफिट्स कितने हैं, ज्यादा है ना, यहाँ पे है 5,49,000, और पिछले क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट्स कितने थे, 1,22,525, तो कम था ये, तो पूरे के पूरे पे 90% लगा दिया था, तो इसमें बुक प्रॉफिट ज्यादा है। तो वही चीज है, पहले 3,00,000 पे 90% और जितना बैलेंस बचेगा उस पे 60% लगाओगे, यही चीज कह रहा है सेम, ठीक है। तो फर्स्ट 3,00,000 पे इसमें से बुक प्रॉफिट्स है 5,49,000, कितने हैं 5,49,000, इसमें से पहले 3,00,000 पे 90% लगाओगे तो 3,00,000 पे 90% लगाओगे तो 2,70,000 आ जाएगा। इतने थे बुक प्रॉफिट्स, इसमें से 3,00,000 पे 90% लगा चुके हैं, इसमें से 3,00,000 निकालो, कितना बचा, 2,49,000। तो जितना बचा इसमें से 3,00,000 पे लगा दिया, कितना बचा 2,49,000, इस पे कितना लगाओगे 60%, इस पे 60% लगाओगे तो इतना आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे पीछे जो ये लिखा हुआ है ऑन द फर्स्ट, की जो पहले 3,00,000 है, जो फर्स्ट 3,00,000 है उस पे 90% लगाओगे, और जो 90% लगा के जो अमाउंट आएगी उसको कंपेयर करोगे 1,50,000 के साथ, और उसमें से जो मोर होएगा, ज्यादा होएगा, वो लिख दोगे, ठीक है। और जो बैलेंस है उस पे 60% लग जाएगा बुक प्रॉफिट का। तो 3,00,000 पे 90% लगाया, आया 2,70,000। अब इसको कंपेयर करोगे आप 2,70,000 को, इसको कंपेयर करोगे 1,50,000 से, ठीक है, लिखा हुआ ना ये चीज, विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होगा वो ले लोगे। तो इन दोनों में से क्या ज्यादा है, ये वाला, इसलिए यहाँ पे ये वाली चीज लिखी हुई है। और इसमें से 3,00,000 निकाल दिया, इतना रह गया, इसका 60% लगाया, इतना आया, तो इस अमाउंट में ये प्लस किया हुआ है, ये फाइनल अमाउंट आया ना हमारा निकल के, इन्होंने डायरेक्ट शो कर दिया ये 2,70,000। अगर इसमें 2,70,000 की जगह 1,40,000 होता तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा था, 1,50,000, तो 1,50,000 में ये प्लस करते इसका 60%। बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है, बुक प्रॉफिट में से जो फर्स्ट 3,00,000 है, पहला 3,00,000 है उसके ऊपर 90% लगाया, 90% लगा के 2,70,000 आ गया, 2,70,000। इसको 1,50,000 के साथ कंपेयर करना है, कंपेरिजन करना है, उनमें से जो बड़ा है विच एवर इज मोर वो ले लेना है। तो 2,70,000 में से और 1,50,000 में से कौन सा बड़ा है, 2,70,000, तो इसलिए 2,70,000 लिख दिया यहाँ पे। फिर जो बचा बुक प्रॉफिट, इसमें से 3,00,000 पे लगा दिया, कितना बच गया 2,49,000, इस पे 60% लगाओगे, क्योंकि प्रोविजन यही कह रहा है जो बैलेंस बचा उस पे 60% लगा दो। तो इतना बचा था इस पे 60% लगा दिया, इतना आया, ये इन दोनों में प्लस कर दिया, जो ये अमाउंट आया इसको फिर किसके साथ कंपेयर करोगे, रेमुनरेशन के साथ, और उन दोनों में से जो लेस होगा वो ले लोगे। ये रेमुनरेशन निकली थी यहाँ पे, मैंने बोला था ये सैलरी लिख लो पार्टनर की और कमीशन लिख लो, इनका टोटल कर लो एक बारी, 4,20,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, ये कंडीशंस लगा के क्या आया, 4,19,400। तो फिर ये जो अमाउंट आई हमारे पास बाहर, एक ये वाली आई और एक पीछे जो रेमुनरेशन की आई प्लस करके, ठीक है, इन दोनों में से जो लेस होएगा वो हम बाहर लिख देंगे। तो 4,20,000 है पीछे, ये रहा 4,20,000 है, और यहाँ पे 4,19,400 है। तो इन दोनों में से लेस कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला इतनी अलाउड हो जाएगी इसको रेमुनरेशन, लिखा हुआ ना विच एवर इज लेस। जो 1,50,000 वाली लगानी है ना वो इसके साथ लगानी है, जब
3 लाख का 90% करोगे तब लगानी है, 1.5 लाख से तब कंपेयर करना है, और जब कंपेयर करोगे उन दोनों में से जो हायर होएगा ना वो लोगे, फिर जो बाहर आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा फिर इसको और रेमुनरेशन के साथ कंपेयर करना है, उसमें से जो लेस होगा वो ले लेना। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, रेमुनरेशन 62,000 थी, इसमें बुक प्रॉफिट्स थे ही कम थे ना, अगर ज्यादा होते तो वो लगाते जो अभी मैंने बताया, पहले 3 लाख पे 90% और जो बैलेंस बचा उस पे 60%, इसमें था ही कम तो पूरे पे 90% लगा दिया, तो 90% लगा के इतना आया अमाउंट, इसको फिर 1.5 लाख के साथ कंपेयर किया तो विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो हायर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों में से जो हायर है वो यहाँ पे लिख दिया, फिर इन दोनों को, फिर जो बाहर आया इसको रेमुनरेशन के साथ कंपेयर किया, इन दोनों में से जो लेस है वो यहाँ पे लेस कर दिया फाइनल अमाउंट में से, ये बिजनेस प्रॉफिट आ गया। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, ठीक है, इसमें से और रेमुनरेशन में से जो लेस आया वो हम अलाउड कर देंगे, इतना आ गया टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ फर्म। और उसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन में एक चीज, जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया था उसमें एक चीज पढ़ी थी ना, ऑल्सो कंप्यूट द इंडिविजुअल इनकम, मतलब इनकी अकेले अकेले की इनकम भी निकालनी है पार्टनर्स की, विच इज टैक्सेबल अंडर हेड, और वो किसके अंडर टैक्सेबल होगी, अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स के अंडर, ठीक है। तो ऐसी अलग इनकी इनकम्स निकाल लोगे, पहले पार्टनर ए की निकाल दो, रेमुनरेशन सैलरी थी एक, तो एक कमीशन था, यही था ना सैलरी, ऊपर तो नेट प्रॉफिट है इसका, तो कुछ नहीं करना बस ऊपर नेट प्रॉफिट लिखते हैं फिर उसमें एड लेस करते हैं, तो एक सैलरी थी, एक कमीशन था और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, यही तीन चीजें थी। तो सैलरी लिखी, सैलरी कितनी थी, 1,60,000 थी, ये देखो सैलरी ए की 1,60,000, तो 1,60,000 में से इसको अलाउड कितनी थी, यहाँ पे ये अमाउंट लेस की है ना हमने, यहाँ पे क्या था रेमुनरेशन अलाउड, वो चीज लेस की थी, तो रेमुनरेशन अलाउड, तो कितनी रेमुनरेशन निकाल ली हमने कि इसको अलाउ हो जाएगी ये प्रोसेस करके, 4,19,400, तो इसको 1,60,000 को जितनी इसकी एक्चुअल में सैलरी थी इंटू करोगे 4,19,400 से, क्योंकि ये अलाउड रेमुनरेशन है, ये अलाउड रेमुनरेशन कितने में से अलाउड थी, 4,20,000 में से, मतलब 4,20,000 जो इसकी टोटल है कमीशन भी और सैलरी भी, जो इसका एक्चुअल टोटल है, ठीक है। क्या किया, ए की सैलरी उठाई 1,60,000 इंटू किया जितनी उसको अलाउ की हमने, जितनी उसको अलाउ की रेमुनरेशन उससे इंटू किया, इतने अलाउ की 4,19,400, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करोगे, 4,20,000 से, जो उसकी टोटल रेमुनरेशन बन रही है, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा इतना, 1,60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4,20,000। ऐसी सेम कमीशन का भी निकाल लोगे, तो कमीशन निकाल लोगे, अभी पार्टनर एक ही निकाल रहे हैं ना, पार्टनर एक ही निकाल रहे हैं तो कमीशन भी ए का ही लेंगे, तो यहाँ पे देखो कमीशन टू ए 1,20,000, तो 1,20,000 इनटू रेमुनरेशन कितनी अलाउड हुई उसे, इतनी डिवाइडेड बाय 4,20,000 जो उसकी टोटल रेमुनरेशन थी, टोटल निकाली थी ना ये 1,60,000 प्लस 1,40,000 3 लाख आ गया और प्लस कमीशन 1,20,000 ऐसे आया था 4,20,000, तो इससे 4,20,000 से डिवाइड करोगे आप तो कमीशन आ जाएगा 1,19,829 और ऐसे इंटरेस्ट निकाल लोगे। पीछे देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना था, ए की सैलरी निकाल रहे हैं ना, तो ए का लोगे सिर्फ 30,000 था, है कितना 15%, अलाउड कितना है पार्टनर को 12%, तो इंटरेस्ट 12% दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सैलरी निकाल रहे हैं, रेमुनरेशन निकाल रहे हैं पार्टनर की कि कितनी बनती है उसकी, ठीक है। तो 30,000 इसमें से अलाउड है 12% और मिल कितना रहा है उसे 15%, तो 12/15 कर देंगे, तो ये 24,000 इंटरेस्ट आ जाएगा इसका, इसका टोटल करोगे 3 लाख
3600 इसकी रेमुनरेशन निकल गई पार्टनर ए की. ऐसे ही बी की निकाल लोगे, इसकी सैलरी कितनी है बी की, जैसे ए की 160 ली थी इसकी कितनी लोगे बी की, 140, 1,40,000. तो 1,40,000 अलाउड रेमुनरेशन कितनी निकाल ली हमने, 4,19,400. इसको डिवाइड कर दोगे 4,20,000 से, ठीक है, कितना आ गया 1,39,800. और ऐसे ही इसका बी का इंटरेस्ट भी निकाल लोगे, 12% तक अलाउड है, तो बी का इंटरेस्ट कितना है 15,000 है ना, तो 15% तो उसे टोटल मिल रहा है. 15% में से हमने थ्योरी में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में 12% अलाउड होता है, तो 15,000 का 12 डिवाइडेड बाय 15 करके इतना 12,000 आ जाएगा. इतनी बी की सैलरी बन गई ये, और ये ए की बन गई, मतलब रेमुनरेशन ये ए की हो गई, ये बी की हो गई. बस ये क्वेश्चन था गाइज. इसमें मेन बुक प्रॉफिट्स की ही कैलकुलेशन है ये वाली चीज, और आई होप कि ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए उसमें ये चीज क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी का, ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें बेसिक चीज बतानी थी कि ये कैसे निकालोगे आप, ये कैलकुलेशन कैसे करोगे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक फुल फ्लेज सा क्वेश्चन, और फिर ये आपका असेसमेंट ऑफ फॉर्म चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. उसके बाद करेंगे एओपी. एओपी में सारे ही चार इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं. हाँ, एओपी थोड़ा सा ट्रिकी है चैप्टर, थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें सारे ही चार इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में ये असेसमेंट ऑफ फॉर्म खत्म, उससे आगे एओपी, और फिर आपका सिलेबस टोटली फिनिश हो जाएगा. मैं देख लूंगी एचयूएफ कराना है या नहीं कराना, वैसे वो आना नहीं 15 नंबर में, राइट. और फिर ये आपका इनकम टैक्स, इसका डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस सारा फिनिश. उसके बाद करेंगे यार अकाउंट्स, मेरे को अच्छे से नहीं आता इस सेमेस्टर का, प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा, अजीब सा प्रैक्टिकल है. मतलब बाकी कंफर्म नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियोस में डालूंगी या नहीं डालूंगी, जे मेरे को समझ में आ गया. अभी मैंने अकाउंट्स उठाया नहीं है, अभी मैं इस पे टैक्स पे ही लगी हुई हूँ, और उस पे ओआर पे, ऑपरेशनल रिसर्च पे. जे मेरे को अकाउंट्स का समझ में आ गया तो मैं एक आधी वीडियो डाल दूंगी, अदरवाइज मुश्किल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. बाकी ये टैक्स का हो जाएगा कंप्लीट, असेसमेंट ऑफ फर्म नेक्स्ट वीडियो में फिनिश है. उसके बाद एओपी, और फिर 15-15 मार्क्स वाले आपके सारे कवर हो जाएंगे. एचयूएफ देख लूंगी यार मैं कराना है या नहीं कराना, वैसे उसमें से आना नहीं. बाकी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट उस वो करेंगे ट्रांसपोर्टेशन